बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज अब्दुल्ला इमरान और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग वर्ल्ड बाय अब्दुल्ला। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रियलमी C12 को, जो कि रियलमी की तरफ से सबसे लेटेस्ट मॉडल लॉन्च है। और इस मॉडल को देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इसी स्पेक्स में जो प्रीवियस डिवाइस है रियलमी C3, क्या वो रियलमी ने डिसकंटिन्यू कर दी है? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलमी C12 और रियलमी C11 जो कि बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट सीरीज़ है जो कि रियलमी की तरफ से हमें देखने को मिली है। रियलमी C11 के अनबॉक्सिंग में मैंने आप लोगों को बताया था और मेरी थिंकिंग भी यही थी जो जब भी मैंने आप लोगों से शेयर करी थी कि रियलमी C11 और रियलमी C12 जैसी डिवाइसेस हमें आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि रियलमी C2, C3 और 5 या रियलमी 5i जैसी डिवाइसेस हमें अभी भी पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलती हैं, क्योंकि उनको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। और रियलमी C11 की सीरीज़ जो है वो रियलमी ने यहाँ हमें न्यू सीरीज़ लॉन्च की है, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनीज में यही होता है कि एक मॉडल को डिसकंटिन्यू करने के बाद जो न्यू मॉडल लॉन्च किया जाता है तो उसके प्रीवियस मॉडल को डिसकंटिन्यू करने के बाद उसकी कुछ फीचर्स में जो है वो इंक्रीमेंट किया जाता है, क्योंकि कुछ गलतियां जो उस मॉडल के अंदर हुई होती हैं उसको इंक्रीज़ कर जो है वो नया मॉडल दिया जाता है। तो एस रियलमी C12 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी प्रीवियस डिवाइसेस हमें देखने को नहीं मिलती। तो आज इस वीडियो के अंदर हम रियलमी C12 को करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे कि इस न्यू सीरीज़ के इस न्यू मॉडल के ज़रिए कंपनी ने हमें क्या प्रोवाइड किया है। तो आज हम रियलमी C12 को अनबॉक्स करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे दरमियान मौजूद है रियलमी C12 हमारा, इसके बॉक्स पे भी कुछ स्पेक्स को हाईलाइट किया गया है जो कि हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई बॉक्स को इसके अगर देखें तो सब हमेशा की तरह रियलमी में यहाँ हमें एक रियलमी को हाईलाइट किया हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ मॉडल रियलमी C12 को शो किया गया है। इसके अलावा यहाँ जो बी आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली ब्लू कलर को हाईलाइट किया गया है, जो कि कंपनी की तरफ से बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था। ये शॉपकीपर जो है वो खुद ही इसको मैंशन करते हैं। इसके अलावा इस वाली साइड पर भी रियलमी C12 देखने को मिलता है, इस वाली साइड पर भी। बाकी इसकी बैक वाली साइड पर जो इसकी स्पेक्स को हाईलाइट किया गया है वो 6000 mAh की बैक बैटरी लगाई गई है, जो कि रियलमी का सबसे फर्स्ट मॉडल है जो कि 6000 mAh की बैटरी के साथ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 13 MP का AI ट्रिपल कैमरा हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा 6.5 इंचेस का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन देखने को मिलता है। इसके अलावा इंस्टेंट फिंगरप्रिंट अनलॉक। तो आज हम रियलमी C12 को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि रियलमी C12 के अंदर किन चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है और क्या चीज़ जो है वो हमें मज़ीद प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले यहाँ हमें एक बुक फ्लैग देखने को मिल जाता है जिस पे वेलकम टू द रियलमी फैमिली लिखा हुआ होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसके अंदर हमें केस देखने को नहीं मिलता। केस जो है यार हर मॉडल के साथ देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो है वो हर कस्टमर के हिसाब से चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो रियलमी को यहाँ पर ये चीज़ को प्रूव करना चाहिए। बाकी अंदर हमें कुछ पेपर वर्क, क्विक यूज़र गाइड एंड वारंटी कार्ड गाइड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ हमें रियलमी C12 देखने को मिल जाता है, जो कि मिनरल ब्लू कलर में हमारे पास मौजूद है। बाकी इसका एक रेड कलर भी जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। काफ़ी यूनिक सा बैग जो है वो यहाँ स्टाइल किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक रियलमी के किसी भी मोबाइल में इस डिज़ाइन का बैक कवर हमें देखने को नहीं मिला। तो फ़ोन को यहाँ कर लेते हैं टर्न ऑन। बाय द टाइम फ़ोन ऑन होता है तो इसकी एसेसरीज़ को हम चेक कर लेते हैं। हमेशा की तरह यहाँ हमें एक एंड्रॉयड की केबल देखने को मिलती है, जिसके अंदर रियलमी ने अपने कलर को भी हाईलाइट किया है। यहाँ पर येलो चेक लाइट देखने को हमें मिलती है। इसी के साथ हमें एक रियलमी C12 के साथ रियलमी का ओरिजिनल चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि 5 वोल्ट और बेसिकली 2 एम्पेयर का चार्जर यहाँ दिया गया है। तो फ़ोन जो है वो यहाँ ऑन हो चुका है। सबसे पहली चीज़ जो मैं इसके अंदर नोटिस कर रहा हूँ वो रियलमी C11 जैसा ही मिनी ड्रॉप स्क्रीन यहाँ दी गई है, जो कि बेसिकली 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है। तो फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है, इसको सेटअप कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो भाई यहाँ मैं सेटअप कर चुका हूँ रियलमी C12 को। तो ये इसका डिज़ाइन जो है वो आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी न्यू स्टाइल में जो है वो इसको डिज़ाइन किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं इसके अंदर नोटिस कर रहा हूँ वो इसका बैक कैमरा है,
जो कि आईफोन 11 प्रो के लुक का दिया गया है। ट्रिपल कैमरा यहाँ में देखने को मिलता है। इसकी पिछली सीरीज़ का जो मॉडल था रियलमी सी 11 लुक जो है वो ऑलमोस्ट इसका सेम ही बनाया गया था, लेकिन उसके अंदर ड्यूल कैमरा हमें देखने को मिला था। इसके अंदर हमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जो कि इस फोन की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और 13 मेगापिक्सल का जो है वो यहाँ फर्स्ट लेंस दिया गया है एंड सेकेंड और थर्ड लेंस जो है वो 2-2 मेगापिक्सल के लगाए गए हैं विद LED फ्लैश दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो कैमरा, अब हर कंपनी जो है जिसका देखा जाए जो भी कंपनीज के न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उसका कैमरा जो है वो इसी स्टाइल का बनाया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। नॉर्मली स्ट्रेटली कैमरे में जो है वो काफ़ी बोर हो चुके हैं यार उस टाइप के कैमरे देख देख के। बाकी इसके साथ यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। इस वाली साइड पे हमें सबसे पहले पावर बटन देखने को मिल जाता है, इसी के ऊपर हमें वॉल्यूम की देखने को मिल जाती है। बाकी इस वाली साइड पे हमें सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। इसकी सिम सिचुएशन को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। नैनो साइज सिम सपोर्ट करता है ये ड्यूल सिम। और मेमोरी कार्ड का जैक हमें देखने को मिल जाता है। इसका अपना इंटरनल स्टोरेज जो है वो 32 GB का यहाँ लगाया गया है। बाकी अगर इससे ज़्यादा का आपका, वैसे 32 GB भी जो है वो एक फ़ोन के लिए इनफ होता है, बाकी इससे ज़्यादा का अगर आपका डेटा है तो आप इसको एज एक्सटर्नल मेमोरी भी यूज़ कर सकते हैं। जितना भी आपका यूज़ है 32 GB या 64 GB आप उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बाकी 3 GB इसकी रैम और 32 GB का इसका इंटरनल स्टोरेज रखा गया है। बाकी वेट की इसकी अगर बात करें तो रियलमी के अदर मॉडल्स के मुकाबले में जो है इसका वेट भी काफ़ी हैवी है। इसका छोटा सा रीज़न जो है वो सिर्फ इतना सा है जो कि मैं इस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 6000 mAh की इसके अंदर बैटरी लगाई गई है जो कि रियलमी के अभी तक किसी भी मॉडल में नहीं लगाई गई, इसीलिए जो है वो इसका वेट भी काफ़ी हैवी दिया गया है। 6.5 inches का मिनी ड्रॉप स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा चिपसेट की इसकी अगर बात करें जो कि इस फ़ोन की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मीडियाटेक का G35 का हीलियो प्रोसेसर लगाया गया है जो कि बहुत हैवी चिपसेट हम उसको कह सकते हैं इस फ़ोन के मुकाबले में। बाकी प्राइस टैग जो है वो इसकी 22,000 की रखी गई है। बाकी 20 से 21,000 रुपये के दरमियान आप इसको पाकिस्तान के किसी भी मार्केट से कर सकते हैं। बाकी 2 से 3 दिन पहले जो है वो इसको पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया है। इससे पहले तक जो ये मॉडल हमें देखने को मिलता था वो ऑलमोस्ट जो है ऑनलाइन शुरू में इसकी परचेजिंग काफ़ी हुई है, क्योंकि शुरू के एक हफ्ते तक जो है ये और इस मॉडल को ऑनलाइन सेल आउट किया गया है। उसके बाद जो है वो इसको शॉपकीपर्स को दिया गया है, मार्केट में लॉन्च किया गया है। प्राइस टैग जो है वो इसकी मुझे थोड़ी कुछ यार समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो रियलमी C3 को दिया गया था वो 20,000 के प्राइस टैग में दिया गया था और रियलमी के सेट हैं तो प्राइस टैग जो है वो हमें हर कुछ टाइम बाद ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। लेकिन स्पेक्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, एक दो चीज़ों को इंक्रीज़ किया गया है। 6000 mAh की एक बैटरी इंक्रीज़ की गई है। इसके अलावा कैमरा जो है वो वहाँ भी ट्रिपल कैमरा में देखने को मिलता था, यहाँ भी ट्रिपल कैमरा देखने को मिला है। बाकी प्राइस जो है वो इसकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, ऑलमोस्ट 20 से 22,500 का फ़र्क काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, 2,500 रुपये का डिफरेंस यहाँ में देखने को मिला है। बाकी आई डोंट नो कि रियलमी की यहाँ पर क्या थिंकिंग है। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फ़ोन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस फ़ोन के हवाले से अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि ये फ़ोन के हवाले से आपका क्या ओपिनियन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अनबॉक्सिंग में। अल्लाह हाफिज़।